हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है नर्व्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इस टॉपिक में हम मेनली ब्रेन और स्पिनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नर्व्स और एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। नर्व्स और एंडोक्राइन सिस्टम साथ में वर्क करते हैं और क्या वर्क करते हैं, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन का। ये कोऑर्डिनेशन ऑर्गन्स और पूरा जो ऑर्गन सिस्टम है उनके बीच में होता है। इन ह्यूमन बीइंग्स फॉर म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, नर्व सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम वर्क्स टुगेदर। नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स कलेक्शन होता है नर्व सेल्स का, और एक स्पेशल सेल होती है जिसको बोलते हैं न्यूरॉन। ये क्या करती है, ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है और इन्हीं सिग्नल्स के थ्रू हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो काम करते हैं। हमारा जो नर्व सिस्टम है इसके दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम और पेरिफेरल नर्व सिस्टम। जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है उसके भी दो पार्ट होते हैं, स्पिनल कॉर्ड और ब्रेन। और ब्रेन के भी तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। पेरिफेरल नर्व सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सोमेटिक नर्व सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम है इसके भी दो पार्ट हैं, फर्स्ट इज सिम्पथेटिक नर्व सिस्टम, सेकंड पैरासिम्पथेटिक नर्व सिस्टम। सबसे पहले हम स्पिनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। स्पिनल कॉर्ड को सेकेंडरी वेन भी बोला जाता है, क्योंकि जब ब्रेन बिजी होता है तो स्पिनल कॉर्ड जो है वही काम करती है और ऑर्गन्स को अलर्ट रखती है, इसलिए इसको सेकेंडरी ब्रेन भी कहते हैं। स्पिनल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है और इसमें 31 पेयर्स नर्व सेल्स पाई जाती है। स्पिनल कॉर्ड हमारी बैकबोन में होती है और स्पिनल कॉर्ड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स एक्शंस एंड कंडक्शन एंड रेगुलेशन। मतलब ये हमारे शरीर को बैलेंस रखती है और कोई अचानक होने वाली जो घटनाएं हैं उनसे अलर्ट रखती है। यह ऑर्गन्स के मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाती है और ब्रेन के जो ऑर्डर होते हैं वो ऑर्गन्स तक वापस ट्रांसफ़र करती है। अब हम हमारे जो बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन जो है हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हमारा जो ब्रेन है वो सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट होता है। सुपर कंप्यूटर एक बार में 25,000 इमेज को कैप्चर कर सकता है, लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो एक बार में कम से कम 25 करोड़ इमेज को एक साथ कैप्चर कर सकता है, इसलिए यह सुपर फास्ट कंप्यूटर जो होता है उससे भी फास्ट होता है। हमारा जो ब्रेन है उसमें एक दिन में कम से कम 70,000 थॉट्स आते हैं। ह्यूमन ब्रेन इज अ सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी का सेंट्रल ऑर्गन होता है जो मैसेज को एक्सचेंज करने का काम करता है। हमारा जो ब्रेन है वो अब तक का सबसे डेवलप्ड ब्रेन है। हमारी बॉडी में जो फैट होती है उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा जो होता है वो ब्रेन में होता है, इसलिए इसको फैटेस्ट ऑर्गन भी बोलते हैं। जो फैट होती है मोस्टली ब्रेन में ही होती है। ब्रेन जो है वो स्कल से प्रोटेक्टेड रहता है। स्कल क्या होती है, हड्डियों का एक ढांचा होता है जिसको क्रैनियम भी बोलते हैं। इसमें 8 बोन्स होती हैं जिनके अंदर हमारा ब्रेन स्टोर रहता है। हमारे ब्रेन का वेट 1.5 किलोग्राम होता है। ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो ब्रेन है उसको हम मरने तक सिर्फ 4% ही यूज़ कर सकते हैं। जो महान साइंटिस्ट है जैसे आइंस्टीन, न्यूटन, इन्होंने भी अपने ब्रेन का सिर्फ 4.5% ही यूज़ किया था। और हमारा जो ब्रेन है वो हमारे मरने के 7 मिनट बाद तक एक्टिव रहता है, लेकिन फिर भी अभी तक ब्रेन का ट्रांसप्लांटेशन सक्सेस नहीं हुआ है। ब्रेन को ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। हमारे ब्रेन में 75% जो है वो वाटर होता है। और ब्रेन के काम क्या क्या होंगे, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, बॉडी को बैलेंस रखना, टेम्परेचर बैलेंस रखना,
हमारा जो बिहेवियर है, हमारी एक्टिविटीज़, हमारी फीलिंग्स, सब कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। हमें कब क्या बोलना है, हमारी स्पीकिंग पावर, लिसनिंग पावर, हमारी जो देखने की कैपेसिटी है, ये सब, रेस्पिरेशन हुआ, लिसनिंग हुआ, ये सब ब्रेन कंट्रोल करता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का। ब्रेन इज़ डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो हम तीनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। ब्रेन का फर्स्ट पार्ट है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन इज़ द मेन सेंसरी सेंटर ऑफ द ब्रेन। ये एक सेंसरी सेंटर होता है ब्रेन का, जहाँ से हमें जो सेंस है वो फील होते हैं, और यह ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट भी होता है। फोर ब्रेन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम आते हैं। फोर ब्रेन जो है वो किस किस को कंट्रोल करता है? हंगर, थ्रस्ट, स्लीप, फैटिग, टेम्परेचर, एक्सप्रेशंस ऑफ फीलिंग्स। हमारे बॉडी में अगर हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, हमें नींद आ रही है, या फिर हमारा जो टेम्परेचर है, हम कोई फीलिंग ले रहे हैं, वो सब जो कंट्रोल करता है फोर ब्रेन होता है। यह हमें एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर फील भी करवाता है। जैसे सर्दियों में टेम्परेचर कैसा होता है, गर्मियों में टेम्परेचर कैसा होता है, उसी अकॉर्डिंग ये हमारी बॉडी को कंट्रोल रखता है। फोर ब्रेन का एक इम्पोर्टेंट काम भी होता है एक्सटर्नल पेन फील करवाना। एक्सटर्नल पेन का मतलब, जैसे हमें किसी ने थप्पड़ मारा या किसी ने पीटा, तो हमें जो पेन होता है, दर्द होता है, वो कौन फील करवाता है? फोर ब्रेन फील करवाता है। ऐसा कहते हैं ना कि हम दिल से सोचते हैं, हमें दिमाग से सोचना चाहिए। दिल नहीं सोचता है, हमारा जो हार्ट है वो सिर्फ ब्लड पंपिंग का काम करता है। हमारे जो थॉट्स है, जो फीलिंग्स है, वो सब कौन कंट्रोल करता है? फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। यह ब्रेन का ऐसा पार्ट है जो हमें आइडेंटिफिकेशन करने में मदद करता है। हमारी जो मेमोरी पावर है, जो थॉट पावर है, जो हमारी इच्छाएं होती है, उन सबको कंट्रोल करता है। फोर ब्रेन का सेलेब्रम पार्ट जो है उसको इंटेलिजेंट माइंड भी बोलते हैं। मतलब ये हमारे माइंड में क्या करता है? इंटेलिजेंस ही पैदा करता है। हमारा राइट ब्रेन जो है वो लेफ्ट ब्रेन को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट ब्रेन जो है वो राइट ब्रेन को कंट्रोल करता है। अगर राइट ब्रेन ज़्यादा डेवलप्ड और एक्टिव होगा तो हम लेफ्ट हैंडी होंगे, लेफ्ट हैंड से लिखेंगे, और अगर हमारा लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा डेवलप्ड और एक्टिव होगा तो हम राइट हैंडी होते हैं और राइट हैंड से लिखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है वो डिवाइड रहता है फोर लॉब्स में। इसमें चार लॉब्स होंगे, दो अपर लॉब्स और दो लोअर लॉब्स। और ये किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ये रेस्पॉन्सिबल होता है सेंसरी फीलिंग्स के लिए। यही हमें जो हम देखते हैं या फिर जो सुनते हैं उसके बारे में जो सिग्नल्स हैं वो कौन पता लगाता है? मिड ब्रेन पता लगाता है। हमारी जो हियरिंग कैपेसिटी और विजन कैपेसिटी है उसको मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे आईज, ईयर, टंग, स्किन, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन का। हिंड ब्रेन के भी तीन पार्ट होते हैं, पॉन्स, मेडुला ऑब्लॉन्गाटा और सेरेबेलम। हिंड ब्रेन जो है वो मेनली इनवॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं, अचानक जो होने वाली चीज़ें हैं, जैसे वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर, या फिर हार्ट बीट का तेज हो जाना, डाइजेशन की प्रोसेस, एक्सक्रीशन की प्रोसेस, हमें जैसे खांसी आती है, छींक आती है, या फिर जैसे आईज का ब्लिंकिंग होना, ये सब कौन कंट्रोल करता है? हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है। सेरेबेलम इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। फर्स्ट जो लार्जेस्ट पार्ट है वो सेरेब्रम होता है। हिंड ब्रेन का जो सेरेबेलम पार्ट है वो हमारी बॉडी को बैलेंस रखता है, मसल्स का मूवमेंट भी यही करवाता है, हमारी जो स्पीकिंग पावर है उसको कंट्रोल रखता है, और हिंड ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लॉन्गाटा पार्ट है वो हमारी जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं,
चाहे वो विचुअल रिएक्शंस हो या एसेसरी रिएक्शंस हो, उनको कंट्रोल करता है, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, हार्ट बीट, सर्कुलेशन, हिकअप्स, स्नीजिंग, कोल्ड एंड कफ, स्नोरिंग, बर्प, यॉन, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, इन सबको कंट्रोल करने का काम हिंडब्रेन का होता है, इसलिए यह भी हमारे ब्रेन का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हमने ब्रेन के बारे में जो भी पढ़ा उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये है हमारा ह्यूमन ब्रेन, जिसमें तीन पार्ट्स होते हैं, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन। यह स्पिनल कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है। जब हम किसी गर्म चीज़ को या किसी कांटेदार चीज़ को टच करते हैं, यह तुरंत रिएक्शन देता है, सिग्नल्स हमारे माइंड तक जाते हैं और हम उस चीज़ से दूर हो जाते हैं। हमारे दिमाग में कम से कम 100 बिलियंस न्यूरॉन्स पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से 10 बिलियंस न्यूरॉन्स ही एक्टिव होती हैं। हमारा जो ब्रेन है उसका वेट 1.5 किलोग्राम होता है और यह बहुत सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। हमारा जो ब्रेन है वो स्कल में प्रोटेक्टेड रहता है और स्कल का जो पार्ट है वो 8 बोन से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको क्रैनियम बोलते हैं। स्कल बोन्स को डिवाइड किया गया है फ्रंटल बोन, पेरिएंटल बोन, टेम्पोरल बोन्स, ऑक्यूपेटल बोन्स, स्फेनॉइड बोन्स। इनमें कितनी कितनी बोन्स होती हैं ये भी हम पढ़ेंगे। हमारा जो फेस है उसमें 14 बोन्स होती हैं, हमारे जो ईयर हैं उसमें 3 स्मॉल बोन्स होती हैं और हमारा जो स्कल है इसमें टोटल 28 बोन्स होती हैं। अब हम ब्रेन के पार्ट्स के फंक्शंस पढ़ेंगे। सेरेब्रम जो होता है वो बॉडी का जो मोमेंट होता है उसको कंट्रोल करता है, और सेरेब्रम जो है वो कंट्रोल करता है हमारी जो थिंकिंग पावर है या फिर हम जो प्लान करते हैं दिमाग से, उन सबको कंट्रोल करने का काम सेरेब्रम करता है। और एक हमारी जो स्पीकिंग पावर है, हमें कब क्या बोलना है, कब क्या सोचना है, ये सब कंट्रोल सेरेब्रम करता है। और सेरेब्रम भी हमारा ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और इसको इंटेलिजेंट माइंड भी कहा जाता है। सेरेब्रम हमें स्मेल फील करवाता है, आइडेंटिफिकेशन रिकॉग्नाइजेशन में काम आता है, और सेरेब्रम जो है वो सेंसरी ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करता है। यह सेरेब्रम जो है वो हमें टेस्ट भी फील करवाता है, टच भी फील करवाता है, स्मेल भी फील करवाता है, हियरिंग पावर भी फील करवाता है। सेरेबेलम जो होता है वो हमारे बॉडी का पोस्चर डिसाइड करता है, हमारी बॉडी को बैलेंस रखता है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है। और सेरेबेलम जो है वो हमारी स्पीकिंग पावर को भी कंट्रोल करता है। अगर कोई इंसान ज़्यादा अल्कोहल यूज़ कर रहा है तो इसका इफ़ेक्ट सेरेबेलम पर पड़ता है, क्योंकि सेरेबेलम क्या करता है, हमारे बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है। इसीलिए जो इंसान अल्कोहल पीता है उसकी बॉडी जो है वो बैलेंस नहीं रहती है, वह लड़खड़ाता रहता है। और उस इंसान को आप चाहे कितना भी मान लो, उसको कोई भी फैन फील नहीं होता है, क्योंकि उसका जो थैलेमस वाला पार्ट है वो काम करना कम कर देता है, जिससे उसको एक्सटर्नल पेन भी फील नहीं होता है। ब्रेन में जो फ्रंटल लॉब होती है वो हमारी पर्सनालिटी डेवलप करती है, मेमोरी फॉर्मेशन को डेवलप करती है, हमारी विल पावर को बढ़ाती है, डिसीजन मेकिंग का काम भी फ्रंटल लॉब करती है, हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है उसको भी रेगुलेट करने का काम फ्रंटल लॉब करती है। और जो पेरिएंटल लॉब होती है वो जैसे रीजनिंग हुई, कैलकुलेशन या फिर कोई मैथमेटिक प्रॉब्लम जो होती है उनको कंट्रोल करती है, उनको रेगुलेट करती है। इसका मतलब है जो पैरेटल लॉब होती है वो हमारी थिंकिंग कैपेसिटी को कंट्रोल करती है।
हमारे ब्रेन में एक हिप्पोकैम्पस नाम का पार्ट होता है जिसमें हमारी मेमोरी जो है वो स्टोर होती है। इसको हमारे ब्रेन का हार्ड डिस्क भी बोलते हैं क्योंकि सारी जो मेमोरी है वो हिप्पोकैम्पस में स्टोर रहती है। थर्ड होती है ऑक्यूपिटल लॉब। ऑक्यूपिटल लॉब जो है वो ऑडिटरी फंक्शंस, फीलिंग्स और इमोशंस को रेगुलेट करती है। फोर्थ है टेम्पोरल लॉब। टेम्पोरल लैम्प हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, नींद लेने पर जो हमें ड्रीम्स आते हैं उनको रेगुलेट करती है। यह ड्रीम फॉर्मेशन का काम करती है। सेकंड पार्ट है पेरिफेरल नर्व सिस्टम। यह नर्व सेल्स का ग्रुप होता है जो नर्व सिस्टम से, जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है इसके आउटसाइड होकर काम करता है। इसलिए इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। इसके भी दो पार्ट होते हैं, सोमेटिक नर्व सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। फर्स्ट है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। यह ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे मसल्स के जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। जैसे अचानक जो चीज़ें हो जाती है, अचानक हम कोई गर्म चीज़ छू लेते हैं तो हमारा हाथ जो है वो एकदम से पीछे हट जाता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क को जो पार्ट कंट्रोल करता है वो है सोमेटिक नर्व सिस्टम। रिफ्लेक्स रिएक्शन को हम इस वीडियो से समझेंगे। जैसे हमने कोई गर्म चीज़ को टच किया तो हमारे जो नर्व सेल्स हैं वो तुरंत सिग्नल्स को लेके जाएंगी और सोमेटिक जो नर्व सिस्टम है उस तक लेके जाएगी सिग्नल्स को। देन वहाँ से सिग्नल्स वापस आएंगे और हमारा जो हाथ है वो तुरंत पीछे हट जाएगा। इस तरह ये सोमेटिक नर्व सिस्टम काम करते हैं। नेक्स्ट है ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। यह सिस्टम उन ऑर्गन्स के लिए काम करता है जो ऑटोमेटिकली काम करते हों, जैसे हार्ट है, लंग्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो अपने आप काम करती है। इन सिस्टम के लिए, इन ऑर्गन्स के लिए जो काम करने वाला सिस्टम है वो है ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम। हमारा जो नर्व सिस्टम है उसकी जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो न्यूरॉन होती है। यह हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट सेल भी होती है। न्यूरॉन सेल्स में मिनिमम रीजनरेशन पावर होती है, मतलब अगर ये एक बार टूट जाए तो इनकी जो रीजनरेशन कैपेसिटी है वो डेवलप नहीं हो पाती और ये रीजनरेट नहीं हो पाती हैं। न्यूरॉन्स का क्या काम होता है? यह मैसेज को ट्रांसफ़र करती है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को। हमारी बॉडी में कम 10 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। न्यूरॉन के भी तीन पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्रॉन्स एंड एक्सॉन। यह हमारी न्यूरॉन के स्ट्रक्चर हैं। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, सेल बॉडी होती है, निसल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं, जो ब्रांचेज जैसे स्ट्रक्चर हैं उनको डेंड्रॉन्स कहा जाता है, जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, बॉक्स जैसी स्ट्रक्चर है उसको एक्सॉन बोलते हैं, और लास्ट में जो फाइबर्स के नॉब बनते हैं उनको सिनेप्टिक फिलीज या सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। सेल बॉडी जो होती है उसको साइटोन भी कहा जाता है और इसमें साइटोप्लाज्म लिक्विड भरा हुआ होता है। सेल बॉडी में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं और निसिल ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये सेल बॉडी के ही पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट हैं डेंड्रॉन्स। डेंड्रॉन्स जो होते हैं वो स्मॉल फाइबर्स से बने हुए होते हैं और ब्रांच जैसी स्ट्रक्चर होती हैं जिनका काम होता है स्टिमुलेट करना। नेक्स्ट पार्ट है एक्सॉन। एक्सॉन जो होते हैं वो लॉन्ग चैन जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं जो सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं। ये बॉक्स जैसे बने हुए रहते हैं जिनका एक साइड सेल बॉडी से कनेक्टेड रहता है और दूसरा साइड जो है वो ब्रांचेस से कनेक्टेड रहता है, और लास्ट में इनमें एक नॉब जैसी स्ट्रक्चर बनती है जिनको सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो ग्लैंड से मिलकर बना हुआ है जो हार्मोन्स को सेक्रेट करते हैं, और हार्मोन सेक्रेट करने वाली ग्लैंड्स को एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं।
ये जो हार्मोन्स या फिर केमिकल सब्सटेंस बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, ये क्या कंट्रोल करते हैं? हमारी सेल्स, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं और हमारे बॉडी की डेवलपमेंट, ग्रोथ, मेटाबॉलिक्स और सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए हमारी बॉडी में ग्लैंड्स के थ्रू हार्मोन को सेक्रेट किया जाता है। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगली क्लास में मिलते हैं।